ईशान किशन से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि एक बार फिर से उनकी क्रिकेट मैदान पर वापसी होने जा रही है, लेकिन ये क्रिकेट मैदान होंगे डोमेस्टिक क्रिकेट के, जो वो काफी पिछले लंबे समय से डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन अब वो अपनी होम टीम यानी झारखंड से आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए नजर आने वाले हैं। जो अगला सीजन आपको डोमेस्टिक क्रिकेट का देखने को मिलेगा उसमें आपको ईशान किशन झारखंड की तरफ से न सिर्फ खेलते हुए बल्कि झारखंड की आपको वो कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। क्रिकबस की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि ईशान किशन ने हामी भर दी है झारखंड से खेलने के लिए, जो जिसके कारण उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी छीना गया था, क्योंकि जब वो साउथ अफ्रीका टूर पे थे वहां से उन्होंने नाम अपना वापस लिया और वापस इंडिया आ गए थे, लेकिन उसके बाद से वो लगातार टीम इंडिया से बाहर चल रहे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी अपना खो दिया था बीसीसीआई का। लेकिन अब उम्मीद है कि ईशान किशन जो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस करेंगे उसके बाद वो वहां से टीम इंडिया में वापसी की अपनी उम्मीदों को कायम रख सकते हैं। आईपीएल में खेले थे लेकिन आईपीएल 2024 उनका उतना खास नहीं गया था जितना वो पिछले कुछ सीजन में करते हुए नजर आए थे, लेकिन अब ईशान किशन से यही उम्मीद होगी कि आने वाले समय में वो क्रिकेट ज्यादा से ज्यादा खेलें और टीम इंडिया में एक बार फिर से अपनी वापसी करें, क्योंकि जब तक वो टीम इंडिया में थे काफी शानदार खेलते हुए आपको नजर आ रहे थे। तो आपको क्या लगता है, ईशान किशन एक बार फिर से टीम इंडिया में वापसी करते हुए नजर आएंगे या नहीं, कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें जरूर। और अगर वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।